नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्जुली व्लॉग्स के बारे में। मैंने इनके बारे में काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, इनके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई और उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट ये आया कि इनके खिलाफ जो FIR वगैरह थी उसमें एक्शन लेते हुए ऐसा हुआ था कि इनके FIR दर्ज कर ली गई थी। अगर हम शॉर्ट में बताएं, अगर आप इनकी स्टोरी नहीं जानते तो इनके जो कॉलोनी वाले थे उन्होंने इन पर अटैक किया था बिकॉज इनको जो दो पपीज थे उन्होंने जो पोटी कर दी थी। हालांकि इन्होंने वो उठा दी थी बट उसके ऊपर काफ़ी बवाल हो गया था और एक जज था और साथ में उनका कोई साथ आस पड़ोस वाला था, उसने मिलकर इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया था। अब जो केस दर्ज हुआ था उसमें लोग ये कहते थे कि यार ये तो एक साइड की स्टोरी है, यानी कि अर्जुन और जूली की स्टोरी है, दूसरी साइड क्या पता कि क्या हुआ था। तो वो भी हमने बात क्लियर कर दी थी कि जो दूसरी साइड हुआ था वो कुछ ऐसा हुआ था कि जो इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी वो हरेसमेंट की गई थी, यानी कि अर्जुन के खिलाफ जो FIR थी जो हरेसमेंट की गई थी जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जो अर्जुन है उन्होंने आकर ये बताया कि जो मेरे खिलाफ़ जो FIR दर्ज हुई थी वो FIR जो थी वो मैं ये थी कि मैंने पुलिस वालों से बदतमीज़ी की, बल्कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कि सब कुछ सोशल मीडिया पर था। लेकिन एक हुआ ये था कि उस वक्त जो अर्जुन थे उनके खिलाफ़ FIR ना दर्ज करके पुलिस ने उनको ऐसे ही उठा लिया था और उसके बाद में उन्हें जो हरेसमेंट किया गया एक रात का, अगले दिन वो जो है रिहा हो गए। उसके बाद जो दूसरी साइड थी उन्होंने इनके खिलाफ़ FIR दर्ज की। FIR में बोला गया, बाकी सब के अलावा जो बोला गया कि भाई इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है, उनकी चेस्ट वगैरह पर हाथ लगाया, जो कि साफ दिख रहा था कैमरे पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे इंसानों पर शर्म आनी चाहिए जो अपनी लड़कियों को आगे करते हैं, जो गर्ल्स को आगे करते हैं, अपनी वाइफ को आगे करते हैं, किसको, किस चीज़ के लिए, किसी आदमी को हरेस करने के लिए। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और ऐसी लड़कियों को भी शर्म आनी चाहिए जो ऐसे काम करती है। मतलब एक तो तुम गलती कर रहे हो, दूसरों के साथ मार पिटाई कर रहे हो, ऊपर से उसी पर हरेसमेंट का केस कर रहे हो। और कमाल की बात तो यह है कि कुछ लड़कियाँ इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाती है कि अपने आप को पता ही नहीं, मतलब क्या समझते कि सड़क पे चलती है किसी को थप्पड़ मार देगी, भाई इसने हमें हरेसमेंट किया है, फिर जब वो दूसरे वाला रिप्लाई देगा तो वीडियो बना लेगी कि भाई इसने हमें हरेसमेंट किया है। कई बार ये चीज़ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए भी होती है, कई बार दूसरों को हरेसमेंट करने के लिए भी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर लड़की हो तो लड़की बनकर रहो, अच्छे से रहो। वैसे तो तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो तुम लड़कों की बराबरी करना शुरू कर देते हो, लेकिन जहां आपको दूसरों को नीचे दिखाना होता है तो आप लड़की बनके इस तरीके से हरेस करते हो। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अर्जुन ने अपने एक वीडियो में ये भी शेयर किया क्या है कि उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, यानी कि उन्हें सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है जिसको ये बात उठानी चाहिए थी उसने उनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया। रीज़न ये था कि अगर वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता, यानी कि किसी एक, क्योंकि अर्जुन जो है वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, अगर उनके साथ वहाँ पर कुछ हो जाता, उनके साथ में ज़्यादा कुछ हो जाता तो फिर वो इस चीज़ को इशू बना दिया जाता। लेकिन जो क्योंकि अर्जुन एक हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो उनका मैटर किसी ने नहीं उठाया। ये बात कड़वी है बट सच है कि लोग यहाँ पर धर्म भी देखते हैं और लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसकी सरकार चल रही है। अगर यहाँ पर किसी और की सरकार होती तो शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा लिया जाता, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हरेस किया जाता। और दूसरी बात यह है कि जो भी करने वाला था उसमें एक जज भी इन्वॉल्व था, इस वजह से भी इस चीज़ को जो मीडिया हाउस वगैरह है उन्होंने कवर नहीं किया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनका साथ ऐसे ही बनाए रहेंगे और करते हैं यहीं पर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।